क्या होता है बेस वेरिएंट में ना फ्लोरलाइट नहीं आती, तो उसका ये फ्रेम है जो लगा जाएगा MGP का ओरिजिनल होता है। ऑटो फोल्ड मिरर की इंस्टॉलेशन की जाएगी इसके अंदर, इसके लिए वायरिंग वगैरह की जा रही है प्रॉपरली। ये आप देख रहे हो RD की रिले वगैरह यूज़ की जाती है। इन्फिनिटी प्राइमस सीरीज़ के कॉम्पोनेंट्स और प्राइमस सीरीज के फ्लगर स्पीकर लगाए जा रहे हैं। आउट 90 वोल्ट की LEDs है, इसके नीचे फ्लोरलाइट है, इसमें भी LED लगाई गई है। ये देखिए आप, स्विच के अंदर बेस वेरिएंट की पहचान आपको पता है, ये है फ्लोरलाइट का स्विच, और यहाँ पे ये है आपके ऑटो फोल्ड मिरर की एडजस्टमेंट की गई है। अभी देख रहे हो सारे शीशे खुले हुए हैं गाड़ी के, और मिरर भी इसके ओपन है। जैसे ही मैं लॉक करूँगा ना, पहले मिरर बंद होएगा, उसके बाद देखना, पहले देखो वो शीशा ऊपर गया, ठीक है, इसके आगे वाला शीशा, फिर वो ये देखिए आप शीशा आप सभी के सामने। हेलो भाई, वेलकम बैक टू द वीडियो, मॉन्टी मलिक दिस साइड। और 2024 में आज आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ स्विफ्ट LXi की मॉडिफिकेशन। सीट्स वगैरह खुल चुकी हैं, देख लीजिए आप, और जो भी काम होगा सारे का सारा दिखा जाएगा। एक बेस से टॉप वाला भी कह सकते हैं हम, और ऐसी कुछ गाड़ी आती है बिल्कुल खाली खोखली, इसको अच्छा सा काम किया जाएगा इसके अंदर, और जो भी काम होगा ना मैं आपको दिखा दूंगा। और जो काम हो रहा है ना भाई, अपने सौरभ भाई की शॉप पर हो रहा है, यानी कि SM कार कस्टम उस पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब करना ऐसी और वीडियोज़ को देखने के लिए। वैगनआर इसमें भी काम किया जा रहा है, अभी गाड़ी में काम स्टार्ट हो गया है। वैसे मैं आपको दिखाऊँ ना कि क्या क्या एक्सेसरीज लगाई जा रही हैं, तो उनका एक बार ब्यौरा देता हूँ आपको। ये नाकामिची का एंड्रॉयड है जो कि इंस्टॉल्ड होने वाला है स्विफ्ट के अंदर, एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार प्ले के साथ में आता है। इसके अलावा बात की जाए तो प्राइमस के क्वाइजर स्पीकर्स और प्राइमस के ही कंपोनेंट्स लगाए जा रहे हैं, इन्फिनिटी कंपोनेंट्स जो होते हैं इन्फिनिटी प्राइमस के। इसके अलावा बात की जाए तो मिस्टर RD आ चुके हैं, ये देख लीजिए RD से आए हैं सर, और ये लगाएंगे इसमें जो होती है पावर विंडो, जिसका लॉक वगैरह उस तरीके का होता है। पावर विंडो सेंटर लॉकिंग RD की लगाई जाएगी, तो वो भी दिखा दूंगा मैं आप सभी को। इसके अलावा सीट कवर्स वगैरह जैसी फिटिंग होगी आपको वो भी दिखा दिया जाएगा। फॉग लाइट्स डाला की लगाई जा रही है, डाला ब्रांड की, और इसमें LED लगाई जाएगी, और फ्रंट में इसमें भी LED लगाई जाएगी। तो अभी काम की बात की जाना है, ये देख लीजिए फॉग लाइट्स लगाई जा रही हैं इसके अंदर, और ये है ना आपको दिखा देता हूँ एक बार, RD की फॉग लाइट की वायरिंग होती है विद OEM स्विच वगैरह के साथ में। इसका स्विच कुछ इस तरीके का आता है, तो ये सब चीज़ें आपकी नॉलेज में आना बहुत ज़रूरी है। गाड़ी के इंटीरियर की बात की जाए ना, तो इंटीरियर में भाई सीट कवर्स लग चुके हैं, मैं थोड़ा सा कहीं चला गया था कुछ काम से, तो देख लीजिए सीट कवर की फिटिंग एंड फिनिशिंग देख लीजिए कुछ इस तरीके की लगाई गई है। प्रॉपर बकेट फिट है। इसके अलावा यहाँ पे स्टीरियो लगाया जा रहा है, एंड्रॉयड स्टीरियो आपको दिखा दूंगा। और अभी है ना वैसे गत्ते RD की पावर विंडो लगी है, RD सेंटर लगी, जैसे गत्ते खुलेंगे तो डैम्पिंग भी दिखा दूंगा आपको मैं, और कुछ स्पीकर्स लगे इन्फिनिटी प्राइमस के वो भी दिखाऊंगा, तो मेरे साथ बने रहिए आप। हाँ भाई, अभी काम की स्पीड की बात की जाए ना, तो यहाँ अंदर देख रहे हो आप, इसमें लगा दी गई है 190 वोल्ट की LEDs। अभी जब ऑन होगी तब दिखाएंगे, बाकी इसके अंदर भी LEDs लगाई गई हैं, और गाड़ियाँ काम देख रहे हो। ये इसमें क्या होता है बेस वेरियंट में ना फ्लोरलाइट नहीं आती, तो उसका ये फ्रेम है जो लगाया जाएगा, MGP का ओरिजिनल होता है। तो ये और जो लाइट्स उतरी ना वो ये वाली लाइट्स हैं, तो देख लो आप हैलोजन कुछ इस तरीके के, और जो फोन LED लगेगी वो ये वाली है। पहुंच जाएगा फोन करते। और साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो मिरर खुल चुके हैं, ऑटो फोल्ड मिरर की इंस्टॉलेशन की जाएगी इसके अंदर, इसके लिए वायरिंग वगैरह की जा रही है प्रॉपरली। ये आप देख रहे हो RD की रिले वगैरह यूज़ की जाती है, ये देख लीजिए आप कुछ इस तरीके की होती है RD की रिले। बाकी सीट कवर तो आपको मैंने पहले दिखाई दिए थे। स्टीरियो वगैरह फिट किया जा चुका है, ये आपका जिसको बोलते हैं आर्म रेस्ट वो भी लग चुका है, और ये देखिए भाई स्विफ्ट में तो जितनी मॉडिफिकेशन कराऊँ उतनी कम है। इसके अलावा यहाँ पे सिंगल एयर डैम्पिंग की गई है, देख लीजिए आप एक्सेस ब्रांड की, और उसके अलावा ये इन्फिनिटी प्राइमस सीरीज के कॉम्पोनेंट्स और प्राइमस सीरीज के प्लगर स्पीकर लगाए जा रहे हैं। आउटपुट वगैरह आपसे आपको चेकआउट कराऊंगा, बाकी जो भी काम हो रहा है सारा कपलर टू कपलर हो रहा है, देख लीजिए आप, कोई भी मार्केटिंग वगैरह नहीं होती किसी भी तरीके की, ये देख लीजिए स्विफ्ट कुछ ऐसी होती है भाइयों। ये देखिए बेस गाड़ी के जो बेस वेरिएंट जो मिरर आते हैं ना वो उतार दिए गए हैं सारे के सारे, और अब इसमें ना जो लगा एक तो देखो ये उतर चुका है। इसका रीज़न ये है कि जो मिरर है ना वो पेंट होने के लिए जाएंगे, तो इसके लिए ऑटो फोल्ड मिरर लग रहे हैं, ये वाले देख लीजिए आप कुछ इस तरीके के हैं। स्विफ्ट के अंदर फुल मॉडिफिकेशन की जा रही है, और RD की सेंटर लॉकिंग की वायरिंग कुछ इस तरीके की है। RD का जो सायरन है वो यहाँ पे लगाया गया है, और फुल लाइट्स वगैरह LED लग चुकी है इसके अंदर,
रात को थ्रो भी चेकआउट करा दूँ आप सभी को मैं। अभी बात की जाए ना तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग से पेंट किया जा रहा है और इसकी व्हील जो व्हील है उसको सिल्वर से ब्लैक कर दिया गया। सिल्वर वाले ना कुछ इस तरीके के आते हैं, देखो आप वो ये भी ब्लैक कर दिया, कमाल है यार, सारे ही ब्लैक हो गए हैं। एक वे ये लगेगा ना व्हील कवर, तब आप देखना डिफरेंस वगैरह। मुझे लगा कोई बचा होगा, अच्छा ये बचा, ये देख लो आप इसका और इसका डिफरेंस देखोगे ना आपको जमीन आसमान का फर्क नज़र आ जाएगा। और बाकी ये अपना लगाई जा रहा है ऑटो फोल्ड मिल वगैरह की लिए। तो भाई वो गाड़ी का ना सारा काम कंप्लीट हो चुका है, वो डिटेल में दिखा दूंगा क्या काम किया गया है। तो फ्रंट में लगाई गई है 190 वोल्ट की LEDs है, इसके नीचे फॉग लाइट है जिसमें भी LEDs लगाई गई है जो कि 100 वोल्ट की है। थ्रो वगैरह काफ़ी अच्छा है। इसके साथ में ना इसमें व्हील कवर लगाए गए हैं जो कि मारुति के ओरिजिनल है, ये देख लीजिए आप। अंदर के लिए वो ब्लैक पेंट कर दिया गया रिम को। और यहाँ बात की जाए तो यहाँ पे अपने ऑटो फोल्ड मिरर हैं, एक बार लाइट बंद करता हूँ, एक बार इसको बंद करते ना, ये देखिए आप स्विफ्ट के अंदर बेस वेरिएंट की पहचान आपको पता है यहाँ से हो जाती है। और ये आपके ऑटो फोल्ड मिरर लगाए गए हैं, साथ में डोर वाइजर देख सकते हो आप, क्रोम हैंडल्स हैं। और बैक साइड में तो ऐसा जैसे कुछ काम हुआ नहीं है, जो सामान उतरा है वो लगा दिया गया, दे दिया गया मतलब। और ये कैमरा लगाया गया है। अब गाड़ी के इंटीरियर में चल पड़ते हैं, एक बार गाड़ी के इंटीरियर में जाएंगे ना तो एक बार लाइट ऑन कर लेता हूँ यहाँ अंदर की भी। तो ये देख लो, ये आपके बकेट फिट सीट कवर्स हैं जो कुछ इस तरीके के होते हैं। ये पावर विंडो है जो कि RD की लगाई गई है, बट इसमें ना आप टॉप वेरिएंट वाली भी लगवा सकते हो, बट डिपेंड करता है बजट टू बजट। तो ये आपकी RD की पावर विंडो लगाई गई है, ये यार बेकार दी इन्होंने, ठीक है। उसके अलावा ये फॉग लाइट का स्विच लगाया गया यहाँ पे, सॉरी ये है फॉग लाइट का स्विच। और यहाँ पे ये है आपके ऑटो फोल्ड मिरर की एडजस्टमेंट की गई है, वैसे तो यहाँ पे करते हैं बट जॉयस्टिक इसमें वो टॉप मॉडल वाली गाड़ी बनी नहीं है तो इस चक्कर में इसमें यहाँ पे लगाया गया। ये भी काफ़ी अच्छा है, इसकी वर्किंग दिखाऊँ आपको मैं एक बार। तो गाड़ी को ऑन कर लेते हैं, तो जैसे कि आप इसको बटन को दबाओगे ना, देखिए ये इस तरीके से वर्क करता है, तो ये काफ़ी मस्त लगता है मेरे को, तो मेरे को तो पर्सनल लगता है। आप मुझे बताना आपको कैसा लगता है, ठीक है। ये देख लीजिए इस तरीके से प्रॉपर वर्किंग वगैरह रहती है। और बाकी आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, देखिए आप हिल रहा है ना शीशा, तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो आप यहाँ से। ये देख लीजिए इस तरीके का स्विच लगाया गया है, लेफ्ट राइट, ये लेफ्ट राइट आपका यहाँ पे, ठीक है। ये इस तरीके इसको बीच में करता हूँ मैं, ये ऑप्शन दिए जाते हैं, ठीक है। ये फॉग लाइट थोड़ा स्पेस की इस चक्कर में यहाँ पर लगाना पड़ा क्योंकि यहाँ पावर विंडो लगी थी। इसके अलावा ये भाई देखो, ये एक अच्छा ऑप्शन है अगर आपका बजट कम है तो आप इस तरीके से स्टीयरिंग कंट्रोल लगवा सकते हो। ये देख लीजिए गाड़ी की अगर किलोमीटर की रनिंग की बात की जाए तो गाड़ी अभी चली है 247 किलोमीटर, 345 किलोमीटर चली है गाड़ी आपकी। और इसमें एंड्रॉयड स्टीरियो की बात की जाए तो ये लगाया गया है नाकामिची ब्रांड का भाइयों, जो कि 2GB 32GB एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार प्ले वगैरह के साथ में आता है। और कंपोनेंट्स की बात की जाए तो उससे पहले टूटर सेस लगाता हूँ, टूटर सेस लगाई गई है जिससे कि भाई इसके अंदर एक टूटर फिट कर दिया गया, देख लीजिए आप। इन्फिनिटी प्राइमर सीरीज के कंपोनेंट्स और 6 इंचज़ वाले 6 इंचज़ स्पीकर हैं वो लगाए गए हैं, ये देख लीजिए आप। बाकी सीट कवर मुझे काफ़ी बेहतरीन लगे ब्लैक इंटीरियर में। और ये देख लीजिए आप सीट कवर का प्राइस भी दिख रहा होगा आपको और इसका प्राइस भी दिख रहा होगा आपको, जो कि आपका आर्म रेस्ट है। और पीछे की सीटें देख लो कुछ इस तरीके की है, बेस वेरिएंट में फ्लोरिंग की गई है, फ्लोरिंग का रेट भी आपको डिस्प्ले दिख रहा होगा, GFX मैट का भी प्राइस डिस्प्ले दिख रहा होगा। कोई भी ना भाई इन आइटम्स के रेट वगैरह कभी बताता नहीं है, उसका रीज़न ये है कि झोल करने वाली बात। और लाइट्स का थ्रो देख लो आप, काफ़ी ब्राइट है लाइट्स, ठीक है। तो ऐसा कुछ है, अब आपको एक बार म्यूज़िक की आउटपुट सुना देता हूँ जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई किस तरीके का म्यूज़िक सेटअप इसमें दिया गया है। तो आवाज़ सुनो NCS के गाने की। Don't come on, baby, get away from me.
तो भाइयों आपको म्यूजिक आउटपुट नजर आ गया होगा, तो बेस बज रहा है, इसमें तो बेस बज रहा है। तो भाई ऐसी आपको हल्की फुल्की ऑडियो आउटपुट बताया, बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे आपको बढ़िया आउटपुट दिखा देंगे। ये देख लीजिए आप, ये देख लो कैमरा की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। नाइट में ऐसा तो जी डे में तो भाई अपना चमत्कार करेगा ही करेगा। और स्टीयरिंग कंट्रोल्स ऐसा अच्छा ऑप्शन है यार, मतलब देखो ये देखो आप यहाँ से ना प्रॉपरली वर्क करते हैं, देखिए आप मैं यहाँ से दबा रहा हूँ प्रॉपरली कंट्रोल हो रहे हैं ये। तो एक ये सस्ता सुंदर टिकाऊ वाला सिस्टम भाई भाई। साहब अपनी गाड़ी में, हाँ भाई क्या हाल है? ये हमारे गाड़ी का ओनर है, कैसा काम लगा आपको यहाँ पे आके? एक नंबर, सेटिस्फाइड हो? बिल्कुल सेटिस्फाइड। क्या काम बढ़िया लगा आपको यहाँ का? सारा काम बढ़िया लगा भाई जी। ओके, एक नंबर सारा काम, बस थोड़ा टाइम लेके आना, बाकी सारा काम सेटिस्फेक्शन से होगा, सेटिस्फेक्शन के साथ होगा। बाकी देख लो ये स्टीयरिंग की स्ट्रेचिंग की गई है कुछ इस तरीके की, ये भी देख लो भाई होगा कैसा क्या है, बाकी जो भी आपके सामने है सारा काम। जैसे अभी मैं गाड़ी से बाहर निकला हूँ ना, ये देख लीजिए आप, गाड़ी को मैंने लॉक कर दिया ठीक है, और इसको कर दिया बंद। अभी देख रहे हो आप सारे शीशे खुले हुए हैं, अभी देख रहे हो आप सारे शीशे खुले हुए हैं गाड़ी के, और मिरर भी इसके ओपन है। जैसे ही मैं लॉक करूँगा ना, पहले मिरर बंद होएगा, उसके बाद देखना आप, पहले देखो वो शीशा ऊपर गया ठीक है, इसके बाद ये शीशा, फिर वो ये देखिए आप शीशा आप सभी के सामने ऊपर जा रहा है। तो ये आप रिले लगवा के काम करवा सकते हो, बाकी गाड़ी का भाई बेसिक सारा काम हो चुका है जो कि आपको गाड़ी में चाहिए होता है। म्यूज़िक आपको अच्छा लगा ये ज़रूर बताना मुझे। इस स्विफ्ट की लुक है ना बैक साइड से मस्त लगती है, ये देखो डियाले कितने मस्त लग रहे हैं। फोक लाइट का स्विच आपका यहाँ पे है, देख लीजिए इस तरीके से वर्किंग करता है ये। मैं लाइट से लाइट बंद करता हूँ ठीक है, अब लाइट मैंने फोक लाइट ऑन है, ये देखिए ये फोक लाइट का बटन यहाँ पे इस तरीके से वर्क करता है। बाकी आपके ये हो गए आपका भाइयों ऑटो फोल्ड मिरर की, ये भी कर सकते हो, जॉयस्टिक वाला अच्छा लगता है वैसे। तो भाइयों गाड़ी का सारा काम कंप्लीट हो चुका है, गाड़ी अपने घर जाने के लिए तैयार है। बाकी सौरभ भाई क्या हाल है भाई? एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास। तो भाई बल्ले बल्ले। और गाड़ी में क्या क्या कितने के बजट के अंदर काम हुआ है भाई? गाड़ी में काम हुआ है टोटल 85,000 रुपये। 85,000 रुपये काम हुआ है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। बता अभी तो भाई गिनवा दो ऑडियंस को क्या क्या काम हुआ है भाई। पावर विंडो लगी है आपका, हाँ। आपके साइड मिरर लगे हैं टॉप मॉडल वाले, हाँ। फ्लोरिंग हुई है, सीट कवर है, डैम्पिंग है, ऑडियो सेटअप लगाया प्रॉपर, और बढ़िया ब्रांडेड नाकामिची का एंड्रॉइड लगाया इसके अंदर, हाँ। और आपके इन्फिनिटी प्राइमस के कंपोनेंट है और सेम कोएक्सियल है। अच्छा भाई ये सब फॉग लैंप एलईडी लगाई है, हेडलाइट में एलईडी लगाई है, उसका आपने रिस्पॉन्स देख ही लिया है वीडियो के अंदर। बिल्कुल ये तो है भाई, वो सारा ही सारा जेन्युइन प्रीमियम काम है, वारंटी के साथ, वारंटी के साथ काम किया है। एलईडी आपको 2 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी और मिल रही है। अच्छा 85 के अंदर आपको टोटली मतलब बिल बनाया इनका। अच्छा और सारा ही काम जेन्युइन करके दिया है, जेन्युइन काम करके दिया है, सैटिस्फाई भाई। गाड़ी बेस मॉडल आती है ना, उसमें काफी खर्चे हो जाते हैं। हमारे पास मारुति के सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, जैसे हर वीडियो में बताते हैं, चाहे वो स्विफ्ट की पावर विंडो लो, वैगनार की लो, मारुति किसी भी गाड़ी की। हाँ ये बात तो है, ये है भाइयों। बाकी आपके अपने बजट के हिसाब से आप आ सकते हो SM कार कस्टम्स पे, रोहिणी पे। ये देख लीजिए शॉप का नाम और काम। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक और नई वीडियो में बहुत ही जल्द।